कब से खुद को कह रहा हूँ कि कल से बदल दूंगा खुद को, पर रोज मैं खुद को सह रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ जो टूट गया कर। Hey, what's up guys, welcome back to my YouTube channel guys, कैसे हैं आप लोग, होप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो गाइज आप लोगों ने की स्टार्टिंग में वीडियो देख ली होगी, वरना मैं आप लोगों को अभी भी एक स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप की वीडियो। गाइज अभी इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करना सिखा दो। तो फाइनली आज इस वीडियो का मैं ट्यूटोरियल वीडियो यहाँ पर लेकर आ चुका है और आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा गाइज आप लोग भी इस टाइप की वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंडिंग वीडियोज से रिलेटेड वीडियोज आती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यहाँ से हमें अपने VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा गाइज। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इस एप्लीकेशन को वहाँ से ईजिली से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ओपन करने के बाद अब साइड में आप लोगों को यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे गाइज आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी एंड यहाँ से आप लोगों को अपनी जो है इमेज को यहाँ पर आप लोगों को ऐड कर देना होगा। तो चलिए मैं अपने फोटो को यहाँ पर एक फोटो को ऐड कर देता हूँ। तो गाइज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पर फोटो को ऐड कर दिया है एंड फोटो को ऐड करने के बाद अब आप लोगों को अपने फोटो के लेयर में यहाँ पर एंड में आना होगा। एंड में आप लोगों को ये अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का वाटरमार्क है आपको इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोगों को डिलीट कर देना होगा। अब इतना काम करने के बाद अब आप लोगों को अपने फोटो के लेयर पर क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को इसके लेयर को यहाँ पर बढ़ा लेना होगा। आपको इसके लेयर को कम से कम यहाँ पर 8 या 9 सेकंड तक आप लोगों को कर लेना होगा। आप लोग अपने हिसाब से भी इसको यहाँ पर इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, जितना बड़ा वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसकी लेयर को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब इतना काम करने के बाद अब आप लोगों को अपने फोटो के लेयर पर फिर से क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद अब तो जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल्टर का, तो गाइज आप लोगों को फिल्टर वाले आइकन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से आप लोगों को स्क्रॉल करना होगा एंड स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को इसमें यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट वाला आपको इसमें ये फिल्टर ऐड कर देना होगा। ठीक है गाइज आप लोगों को इसमें ब्लैक एंड वाइट वाला ये फिल्टर है आप लोगों को इसमें ये ऐड कर देना होगा। ये ऐड करने के बाद अब आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर गाइज आप लोगों को फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा एंड फोटो एंड वीडियो में चले जाना होगा। एंड फोटो एंड वीडियो में जाने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को इसमें एक PNG इमेज ऐड कर देना होगा। गाइज ये वाला PNG का इमेज मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप लोग इजीली से इस PNG इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस PNG इमेज को यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आप लोगों को इसको यहाँ पर फुल इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना होगा। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को इसकी लेयर को यहाँ पर एंड तक कर लेना होगा। एंड तक करने के बाद अब आप लोगों को फिर से बैक आना होगा एंड बैक आने के बाद अब आप लोगों को फिर से प्लस पर क्लिक करना होगा एंड प्लस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को फिर से फोटो एंड वीडियो में चले जाना होगा एंड यहां से आप लोगों को फिर से ये एक लिरिक्स वाली वीडियो इसमें आप लोगों को ऐड कर देनी होगी। ऐड करने के बाद अब हमें यहाँ पर नीचे साइड स्क्रॉल करना होगा एंड स्क्रॉल करने के बाद अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ब्लेंडिंग वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, तो जैसे आप ब्लेंडिंग वाले आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन सेलेक्ट कर देना होगा। तो जैसे आप स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इसका ब्लैक बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड रिमूव होने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ओके पर क्लिक करेंगे अब आप लोगों को अपने हिसाब से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो ठीक है गाइस, तो गाइस हाँ जी गाइस जहाँ भी आप लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि गाइस मैं भी इसको यहाँ पर जो है यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से इसको यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, देखने में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हमारी वीडियो यहाँ पर पूरा बनकर रेडी हो चुकी है, मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी लग रही है। तो गाइज़ अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोर्ट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से आप लोगों को ओके पर क्लिक करना होगा। तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।